नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अमरफल में से दो प्यारे ड्रिंक बनाने वाले हैं। अमरफल जिसे जापानी फल कहा जाता है और इंग्लिश में इसे पर्सिमंस कहा जाता है। इस फ्रूट का वीडियो हमारी चैनल पे पहला वीडियो है, इसके लिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देती हूँ। ये गुणों से भरपूर फ्रूट है। ये इस प्रकार से फ्रूट आता है और इसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फरस, विटामिन ए, विटामिन सी बहुत ही अच्छे प्रमाण में होते हैं। ये पूरे साल में केवल 2 महीने ही मिलते हैं। ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ लो कैल फ्रूट है। आप इसको जितना 2 महीने में खा सकते हैं आप इसका उपयोग कर लीजिए। अगर आप डाइट करते हैं, आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या आँखों में कमज़ोरी है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। और ये फ्रूट हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, जिससे बहुत ही बढ़िया प्रकार से डाइजेशन होता है। ये फ्रूट को आप बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तभी उपयोग ना करें, हल्का सा ये जब सॉफ्ट हो जाए तभी इसका उपयोग कीजिए। ये बहुत ही मीठा हो जाता है। दोस्तों, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए और बहुत ही हेल्दी रेसिपीज़ अपने घर वालों को बना के दीजिए। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा दिखता है। इसे आप जूस में या तो फिर ऐसे रॉ भी खा सकते हैं, पर हमारे घर में मैं ज़्यादातर इसका जूस में ही उपयोग करती हूँ। मैं हमेशा इस फ्रूट को छिलके के समेत ही कट करती हूँ। मैंने इसे कट कर लिया है, मैं आपको इसे नज़दीक से दिखाती हूँ। अब मैं आपको इसमें से जूस बनाना सिखाती हूँ। अब हम जूस बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने एक मिक्सर का जार ले लिया है, उसमें जो कट किया हुआ अमरफल है वो मैं डाल देती हूँ। अगर आपको इसका छिलका नहीं पसंद है तो आप बिना छिलके के भी बना सकते हैं, पर मैं अमरफल को हमेशा उसके छिलके के साथ में ही चर्न करती हूँ। उसके अंदर मैं 1/2 कप स्ट्रॉबेरी का पल्प डाल रही हूँ। ये स्ट्रॉबेरी क्रश मैंने लास्ट ईयर स्टोर किया था, वो मैं ले रही हूँ। अभी स्ट्रॉबेरी बहुत ही खट्टी आ रही हैं, तो इसके लिए मैं ये पल्प यूज़ कर रही हूँ। पर अगर स्ट्रॉबेरी जब मीठी आने लगे तो आप इसमें 1 कप स्ट्रॉबेरी डाल दीजिए। ये पल्प बनाने का रेसिपी मैं ऑलरेडी पहले आपको सिखा चुकी हूँ, मैंने वो लिया है। अमरफल के साथ में स्ट्रॉबेरी का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। दोस्तों, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अब मैं इसमें 1/2 कप वनीला आइसक्रीम डाल रही हूँ और 1/2 कप हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी का क्रश और वेनिला आइसक्रीम दोनों बहुत ही ठंडे हैं, इसीलिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, नहीं तो आप इसमें बर्फ़ डालिए। मैं बर्फ़ की जगह पे इसमें पानी डाल रही हूँ, इससे मुझे जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो हमें मिल जाएगी। मैं इसमें केवल 1 ही टेबलस्पून शक्कर डाल रही हूँ, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का पल्प मीठा है और वनीला आइसक्रीम भी मीठी होती है, इसके लिए मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आप स्वाद अनुसार इसमें शक्कर डालिए। अब मैं इसे चर्न कर लेती हूँ। मैंने इसे चर्न कर लिया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये कैसा लग रहा है। वाह दोस्तों, देखिए ये बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है। मुझे इसका ये रंग बहुत ही पसंद है। मेरे घर में ये ड्रिंक बहुत ही पसंद किया जाता है और केवल 2 ही महीने अमरफल मिलता है, तो हमें इसका भरपूर उपयोग कर लेना चाहिए। अब मैं इसे ग्लास में सर्व कर देती हूँ। अब हमने जो वेनिला आइसक्रीम रखा था उसे मैं इस पे डाल देती हूँ। ऊपर मैं थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप डाल देती हूँ। ऊपर से मैं थोड़ा सा व्हाइट चॉकलेट डाल देती हूँ। हमारा अमरफल में से बना हुआ ड्रिंक बनके तैयार है। दोस्तों, ये बहुत ही डिलीशियस है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अब मैं अमरफल में से दूसरा ड्रिंक सिखा रही हूँ। मैंने इस जूस के लिए 1 अमरफल को काट के तैयार किया है और जो स्ट्रॉबेरी पल्प है जो मैंने आपको आगे बताया, मैंने वही लिया है। मैंने एक पेड़ लिया है, हमें इस साइज़ का पेड़ लेना है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। मुझे आपको इसका साइज़ दिखाना था, इसके लिए मैंने इसे कट नहीं किया था। मैं एक पेड़ के छिलके निकाल लेती हूँ, पर अगर आप चाहें तो छिलके के साथ में भी इसे चर्न कर सकते हैं। हमने जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसके नाप के हिसाब से हमें ये साइज़ का पेड़ का उपयोग करना है।
दोस्तों ये ड्रिंक का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अमेजिंग तैयार होता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर हम इस प्रकार से अलग अलग फ्रूट के कॉम्बिनेशन लेके अगर ड्रिंक बनाएंगे तो घर में सबको बहुत पसंद आते हैं। मैंने पेयर को कट कर लिया है, अब हम जूस बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक पिक्सी का जार ले लिया है, उसमें मैं अमरफल को डाल देती हूँ। जो हमने पेयर कट किया था उसे मैं डाल देती हूँ और जो स्ट्रॉबेरी का क्रश है उसे भी मैं मिक्सी में डाल देती हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ा सा बर्फ़ डाल देती हूँ। मेरे घर में ये ड्रिंक थोड़ा सा चिल्ड पसंद किया जाता है, अगर आपको चिल्ड नहीं चाहिए तो आप बर्फ़ अवॉइड भी कर सकते हैं। आधा कप पानी, 2 टेबलस्पून शक्कर डाल रही हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा शक्कर ले सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अब मैं सारी सामग्री को चर्न कर लेती हूँ। मैंने इसे चर्न कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। वाव फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, मुझे ये जो इसका कलर है मुझे बहुत ही पसंद है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। मैंने ग्लास ले लिया है, उसके अंदर मैं इसे डाल देती हूँ। मैं ऊपर थोड़ा सा पुदीना लगा देती हूँ और ऊपर में थोड़ा सा काले मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ। हमारा अमरफल से बना हुआ ड्रिंक बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मैंने आज आपको अमरफल में से 2 ड्रिंक सिखाए हैं। ऐसे बहुत सारे ड्रिंक मेरे घर पे बनते हैं जो मैं आपके साथ में बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ। हमारे अमरफल में से बने हुए ड्रिंक बनके तैयार हैं। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।